नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। दिलदार नगर थाना पुलिस ने रविवार की भोर में गश्त के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास से भारी मात्रा में गांजे के साथ ही तमंचा और कारतूस बरामद किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उप निरीक्षक सुखवेंद्र प्रताप सिंह हमराहियों के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान सुबह करीब 4:45 पर थाना क्षेत्र के रक्सहा बाईपास नहर पुलिया के पास खड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर पास से 1 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ ही 1 .315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम क्षेत्र के रक्सहा निवासी मोहम्मद असलम कुरैशी बताया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में चालान कर अभियुक्त को जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक के साथ हेड कांस्टेबल अजय प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश सिंह, कांस्टेबल राहुल पटेल, कांस्टेबल विष्णु कुमार शामिल थे। यातायात माह का शुभारंभ पुलिस कार्यालय पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने फीता काट कर किया। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली को रवाना किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने कहा कि यातायात माह में गांव-गांव, स्कूल-स्कूल कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा। जागरूकता रैली महुआबाग, मिश्र बाजार, लाल दरवाजा, चीतनाथ, MAH इंटर कॉलेज, रौजा होते हुए लंका पर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में शामिल पुलिसकर्मी यातायात संबंधित स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। इस मौके पर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करते हुए यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने कहा कि यातायात पुलिसकर्मियों का सहयोग करें, वाहन चलाते समय नियमों और चिन्हों तथा संकेतों का प्रयोग करने के साथ यातायात के नियमों को बताया। श्री यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सर सलामत सब सलामत, हेलमेट अवश्य लगाएं। यातायात महाशुभारंभ के मौके पर SP सिटी गोपीराज सोनी, यातायात CO महमूद अली, सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के आलमपट्टी के पास रविवार की सुबह डंपर की जद में आने से साइकिल सवार युवती की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गाजीपुर मोहम्मदाबाद मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार डिहवा बिंद वलिया निवासी राम भवन कुशवाहा की पुत्री कंचन कुशवाहा उम्र 22 रोज की तरह आज सुबह भी ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए आलमपट्टी जा रही थी। इसी डंपर के जद में आने से मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर जाम समाप्त कराते हुए शव को कब्जे में ले लिया। परिजनों की माने तो मृतका कंचन कुशवाहा की शादी इसी 5 दिसंबर को होनी थी। गहवर थाना के SI राजेश बहादुर सिंह हमरा, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार पटेल, कांस्टेबल नितिन कुमार यादव, कांस्टेबल विमलेश कुमार व विनय कुमार के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से गश्त पर थे। इसी दौरान करीब 3:40 पर सेवराई तहसील गेट के सामने एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा नजर आया। पुलिस जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी वो भागना चाहा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो 250 ग्राम गांजे के साथ 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया गया। SI राजेश बहादुर सिंह ने बताया कि अभियुक्त का संबंधित धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया गया है। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और CO के मार्गदर्शन में जमनिया कोतवाली पुलिस ने 4 भैंस चोरों को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक देवेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस कर्मियों के साथ शनिवार की रात गश्त पर थे। इसी दौरान करीब 9:15 क्षेत्र के जीवपुर के पास से 4 भैंस चोर क्षेत्र के बुद्धिपुर निवासी सरफराज, यही के अरमान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और ताजपुर मांझा निवासी विकास यादव को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि गांजे की बिक्री करने के लिए बिहार जा रहे थे। संबंधित धाराओं में अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कांस्टेबल राम सवारत, कांस्टेबल प्रभुनाथ, कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल रत्नेश कुमार, कांस्टेबल गोविंद निर्मल और कांस्टेबल मिथिलेश शामिल थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।